हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल न्यूटन फ्रेंड्स। आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एमएसटीसीजी 2022 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो देखो यार, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले अबाउट लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, कि आखिरी के 3 महीने में कैसे पढ़ाई की जाए, ठीक है, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज की जाए ताकि हम एक बेस्ट स्कोर कर पाए। ठीक है, सिंपल भाषा में अभी 3 मंथ है, 90 डेज है, राइट। तो हम 90 डेज को 30-30-30 में डिवाइड करते हैं पहले। ओके, तो ये सब चीजें जानने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार, अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाई तो जल्द से जल्द जाके लगा लो, कहीं से भी लगा लो, ऑनलाइन कहीं पे मिल रही वहां से लगा लो, ऑफलाइन कहीं पे मिल रही वहां से लगा लो, लेकिन लगा लो यार। बहुत सारे बच्चे हो गए भैया हमें मिल ही नहीं रही, और मिल भी रही है तो 25-30 हजार रुपए मांग रहे मॉक टेस्ट के नाम पे। तो भैया आप बता दो आप कहाँ से लगाए हम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी यार। ठीक है, चॉकलेट की कीमत इतनी आपको प्राइस पे करनी है, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारी चीजों में पैसा वेस्ट कर देते हो, लेकिन एक अगर एक आपके फ्यूचर के लिए वो चीज इन्वेस्ट कर रहे हो, एक चॉकलेट की कीमत की प्राइस से एक मॉक टेस्ट के आप जाके चेक कर सकते हो। नहीं अच्छा लगा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, या मुझे व्हाट्सअप कर दो, पर्सनली व्हाट्सअप पे बता दो भैया आप मॉक टेस्ट के बारे में बताओ, मैं डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ओके। तो स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं मैं, 30-30-30 में मैंने डिवाइड किया। बहुत शॉर्ट वीडियो रखूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत एक एक दिन का प्लान बताऊंगा, कोई सीन नहीं, वो सब व्यूज गेन करने के तरीके होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें नहीं करनी अपने को। 30-30-30 में डिवाइड किया, सिंपल प्लान। ओके, पहले 30 डेज में क्या करना है, पहली चीज तो फॉर्मूला शीट्स बनाओ, प्रॉपर्टीज लिखो उसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, रूल्स लिखो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखो, ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी है पहले 5-6 दिनों में, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन पे जाना है, ठीक है, बुक की एक बार रिवाइज कर लेना है, जो कुछ फॉर्मूले बच रहे होंगे वो फिर से उनको ऐड करना है फॉर्मूला शीट्स में। अराउंड 10 डेज आपके फॉर्मूलाज रूल्स वगैरह लर्न करने में, उनको रटने में उतना टाइम निकल जाएगा। बच्चे जो 20 दिन है, पहले 30 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बच्चे जो 20 दिन है उसमें आपको सिर्फ 10 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े उसके ऊपर 10 मॉक टेस्ट दे दो। भैया आप 10 मॉक टेस्ट के लिए 20 दिन दे रहे हो हमें, भाई साहब आपको मॉक टेस्ट देनी नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने के बाद हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखना है। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो ही आपको मॉक टेस्ट काम आएगी, विदाउट सॉल्यूशन नथिंग। अगर कोई मॉक टेस्ट दे भी रहा है तो मत लेना उससे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट 30 डेज का प्लान, फॉर्मूला शीट्स वगैरह बनानी, उसके बाद मैंने 10 मॉक टेस्ट लगा ली। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट 30 डेज का प्लान, कुछ और चीजें भी बतानी है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कुछ और चीजें भी बताना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट 30 डेज आए, नेक्स्ट 30 डेज में लास्ट आपने जो 10 पेपर दिए उनके सबसे डिफिकल्ट सवाल आपको लेने हैं, वो प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी चीज सीबीएसई के, आपके सीबीएसई में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्जाम में एमसीक्यू, वो एमसीक्यू उठा के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने मॉक टेस्ट में डाल दिए वो एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज भी डाल दिए, वेबजी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डाल दिए, ताकि वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके एमएससी सीटी में वो आपसे भी निकलना चाहिए, फिर भी आप एक तरीके से कर लेना। और नेक्स्ट 30 डेज में आपको नेक्स्ट 10 मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक है। आप बोले भैया पहले 10 मॉक टेस्ट आपने सिर्फ 20 दिन में बोले, नेक्स्ट 10 मॉक टेस्ट आपने 30 डेज बोला, भाई साहब उनकी डिफिकल्टी लेवल्स मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, ठीक है, क्योंकि आपके 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट में इतनी प्रैक्टिस होगी तो आप नेक्स्ट 10 मॉक टेस्ट में एज इट इज नहीं रख सकता, ठीक है। मैंने नेक्स्ट जो 10 मॉक टेस्ट है मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया कि वो आपका डिफिकल्ट पेपर है एमएसटीसीटी का, बीच बीच में आसान भी डाले हैं, ऐसा नहीं कि आसान नहीं डाला, ठीक है। तो उससे आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है अच्छे से, ओके, ये आपका होगा नेक्स्ट 30 डेज का। भैया बाकी सब क्रिएटर्स तो बहुत ही हीवी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आपको ये चैप्टर्स कर लो, भाई साहब वो सब बता के रखे हैं मैंने, जाके चेक करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब चीजें बता के रखी, वेटेज वाइज बताया है, बहुत सारे वीडियो बना के रखे उन सब चीजों के ऊपर। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बताने, ना क्या मुझे वेटेज बताना है, सिंपल भैया ये करने से मेरे नंबर आ जाएंगे ऐसा कुछ बता दो। अभी बचे नेक्स्ट 30 डेज, उसमें सिर्फ आपको जो चीजें डिफिकल्ट लगती है उसको रिवाइज करो, जो पीवाईक्यूज बच गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने ट्राई किया कि सारे के सारे मैंने इंक्लूड किए हैं आपके मॉक टेस्ट में, लेकिन कुछ भी बच जाता है तो आप वहां से फिर से आपके हिसाब से आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जो 15-20 दिन रहेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। भाई साहब एमएसटीसीटी की एग्जाम 90% फॉर्मूला बेस्ड होती है, 90%, ठीक है। और मुझे कोई ऐरा गैरा मत समझ लेना है कि ये कौन आ गया हमें बताने वाला, जाके एमएसटीसीटी का स्कोर देखो, लास्ट वीडियोस में बताया है, ठीक है, दिखाया भी बहुत बच्चों को, रिजल्ट कार्ड भी दिखा दिया है, आईआईटी जेई के लिए
अनअकैडमी पे फैकल्टी हो आप जाके चेक कर सकते हो। ऑफलाइन में आईआईटी जेई के लिए पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं कि कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट ईयर सीओईपी में सीओईपी वीजीटीआई में न्यूट्रल एडुकेटर्स के कितने लोग गए वो जाके चेक करो आप, ठीक है। उनके इंटरव्यूज भी लाए, ऐसा नहीं कि आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज भी लाए वो चेक करो, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ वो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। हेवी स्ट्रैटेजी बता के मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना कि ये करना ये करना वो करो वो करो, सिंपल बता दिया क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन से क्वेश्चन मॉक के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। कोई भी आप अच्छे इंसान से पूछोगे ना वो यही बोलेगा कि भैया स्ट्रैटेजी बता दो, वो बोलेगा क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाना इज द बेस्ट थिंग, क्वेश्चन लगा के रूल्स रिग्रेशन रूल्स फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करो, वो बेस्ट थिंग होती है, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कोई अलग अगर कुछ बता रहा है तो आप सब प्रभावित मत हो जाना कि वो बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है, कोई चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए बताओ, मैं वो आपको वीडियोस की लिंक दे देता हूँ, इतने सारे वीडियोस डाल के रखे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, आप खुद बताओ कितने वीडियोस डाले, वेटेजमेंट वीडियोस डाल दिए 3-4 वीडियोस आते रहेंगे यार, मैं अभी भी आपको टाइम दिखा सकता हूँ, मतलब हर एक वीडियो में ऐसा हो जाता है फिर रात के 2 बज रहे, ठीक है। दिन में मैं क्लासेस लेता हूँ, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता वीडियो शूट करने के, रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मैं अगर आपके लिए मेहनत ले रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मुझे इन रिटर्न उतना रिजल्ट ला के दो कि जितना लास्ट ईयर के बच्चों ने ला के दिया है। 1000 बच्चों के मेरे 90 से ऊपर परसेंटाइल आने चाहिए, ठीक है। तो देखो यार ये एग्रेशन थोड़ा हो जाता है क्योंकि क्रिएटर्स कुछ भी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी लगाओ वो स्ट्रैटेजी लगाओ ये फंडा करो कुछ भी, ठीक है। वो सब चीजें नहीं करनी, सिंपल सिंपल सिर्फ क्वेश्चन लगाओ भाई, नहीं बन रहा है क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो उसका, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आप एक मॉक टेस्ट की तरह एक एग्जाम की तरह लो। अभी बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई कि भाई साहब आप क्रैश कोर्स लगा लो, आपके लिए मटेरियल डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक कुछ भी, क्रैश कोर्स आप 7 दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा एग्रेशन निकल गया होगा लेकिन कोई बात नहीं यार, एक आपके भलाई के लिए मैंने जो जो चीजें बताई वो आपको फॉलो करनी है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप में मुझे आप जो बात करना चाहते हो कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप बाय, टेक केयर, थैंक यू।